हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल न्यू सोनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपका दोस्त दीपक। तो दोस्तों, मैं कुछ हमेशा ब्यूटी टिप्स लाता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूवी फेयर। दोस्तों ये क्रीम आपको काफ़ी अच्छा गोरा बनाता है, गोरा भी बनाता है, और दोस्तों कुछ लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट भी मिलता है। तो दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बता रहा हूँ, इसका साइड इफ़ेक्ट और इसके अच्छे रिजल्ट। तो पहले आते हैं एन आइडियल क्रीम। ये काफ़ी आदर्श क्रीम है और अप्लाई ओनली वंस एट नाइट। दोस्तों ये रात में एक बार सिर्फ लगाना है, और ये क्रीम 30 ग्राम की है, और इसका कॉटन बॉक्स आप तो देख ही रहे हैं, ग्रीन कलर का है। और हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस है 189 रुपये, और मैन्युफैक्चर डेट है अक्टूबर 2016, एक्सपायरी डेट है सितंबर 2018। दोस्तों क्रीम लेने से पहले अक्सर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। और ये टर्क्यू फार्मा का है, इसके नो स्केयर क्रीम भी आते हैं। इसका फार्मूला है हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोन एंड फ्लोसिनोलोन एसिटामाइड क्रीम। यहाँ देखिए, अब लड़कों की निकल पड़ी, इसके टीवी पे आप ऐड भी देखते होंगे। तो दोस्तों इसका कहना है, इस क्रीम का, ये क्रीम हाइपर पिगमेंटेशन का है और हेल्प रिड्यूस एंड रिमूव स्केयर मार्क्स, बेमिस एंड पोस्ट पिंपल स्केयर, स्ट्रेचिंग स्केयर, डार्क सर्किल अंडर द आइस एंड बर्न स्केयर। दोस्तों ये जले पे भी, जो आप सनलाइट से जला रहता है चेहरा उस पर भी काम आता है, और जो आंखों के नीचे काला घेरा होता है उसके भी काम आता है, और पिंपल्स को भी हटाता है, और वाइट स्पॉट मतलब सफ़ेद दाग भी होते हैं तो उसको भी ख़त्म करता है। और ये दोस्तों, ये कुछ लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट कैसा होता है, पहले तो ये कहीं ओठों के नीचे ये कालापन आ जाता है, और आंखों के नीचे भी कालापन आ जाता है। तो अब एक सप्ताह, इसको आप एक महीने तक यूज करें, उससे ज़्यादा ना यूज करें, क्योंकि ये क्रीम नुकसानदेह भी होती हैं, जिसमें हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोन होता है। ये हाइड्रोक्विनोन काले धब्बे को कम करता है, और ट्रेटिनोन महीन रेखाएँ और झुर्रियों को कम करता है ये। दोस्तों इसको लगाने का तरीका है, आप रात में ही एक बार लगाएं, और ज़्यादातर इसका अच्छा रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप ठंडी में लगाएं या बरसात में लगाएं। वैसे बरसात में भी धूप छांव होता है, यानी बरसात की धूप भी काफ़ी कड़ी होती है, काफ़ी गर्मदायक होती है, ठंडी में धूप कम निकलती है, उसमें लगाएँ और रात में ही लगाएँ तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा ये। हाँ, तो कुछ लोगों को रेडनेस आ जाता है, तो आप रेडनेस से घबराइए नहीं, और इसको दिन में ना लगाएं, जब इसको यूज करें तो आप धूप से बचें। अगर जो किसी को इसका रिजल्ट ज़्यादा वेड आता है तो आप फेयर लवली क्रीम यूज कर लीजिए, ताकि आपका चेहरा सही हो जाए, फिर बना रहे। और दोस्तों ये वास्तव में क्रीम काफ़ी अच्छी है, लोगों को गोरा काफ़ी बनाता है, तो आप भी लगाइए और इसका रिजल्ट देखिए कैसा है क्रीम। और वैसे तो अच्छी क्रीम है, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बट कुछ लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट तो मिलता है। हर क्रीम का एक होता है, किसी को अच्छा रिजल्ट मिलता है तो किसी को बुरा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों आप इसको यूज करिए और देखिए इसका रिजल्ट, उम्मीद करता हूँ बढ़िया आए। कुछ लोगों को तो बढ़िया आया है, और एक दो लोगों को तो बैड भी आया है, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो आप यूज करिए, यूज करने के बाद एक दो महीने बाद छोड़ दीजिए, और अगर जो बुरा आ रहा है तो आप इसको कम मात्रा में लगाइए, वो भी रात में, दिन में बिल्कुल ना लगाएं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।